नगर परिषद चुनावों के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है और बाकायदा इसके लिए आज एसडीएम कार्यालय में नगर परिषद के 11 वार्डों के लिए ड्रॉ निकाला गया। इस अवसर पर एसडीएम चिरंजीलाल चौहान, नगर परिषद अध्यक्ष सुलोचना देवी, उपाध्यक्ष दीप बजाज, अनिल सोनी, राजेश चौधरी, ईओ केएल ठाकुर, बीडीओ अस्मिता ठाकुर भी मौजूद रहे। वहीं ड्रॉ निकालने के तुरंत बाद ही 4 वार्डों के महिला आरक्षित होने पर लोगों ने विरोध भी जता दिया और इस बाबत एसडीएम के बाद उपायुक्त को भी ज्ञापन सौंपकर तुरंत इन वार्डों को ओपन करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि हमीरपुर में नगर परिषद के चुनावों हेतु वार्डों की ड्रॉ निकाला गया है, जिसमें वार्ड 1 अनारक्षित, वार्ड 2 और 3 आरक्षित, वार्ड 4-5-6 अनारक्षित, वार्ड 7-8-9 और 10 आरक्षित और वार्ड नंबर 11 अनारक्षित है और वार्ड नंबर 7 2005 से और वार्ड नंबर 8 2010 से लगातार आरक्षित हो रहा है, जिसका वार्ड नंबर 7 और 8 के लोगों ने विरोध किया है, जिसको लेकर वार्ड नंबर 7 और 8 के लोगों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है और ड्रॉ को पुनः करवाने की मांग की है। वार्ड नंबर 7 के निवासी अजय शर्मा ने बताया कि नगर परिषद ने वार्डों के आरक्षण के लिए ड्रॉ निकाला है, लेकिन बड़ी ही हैरानी की बात है कि एक साथ ही 4-4 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसके लिए चारों वार्डों के लिए एक साथ ही पर्ची निकलती है। उन्होंने कहा कि जो वार्ड पिछले 15 सालों से आरक्षित हैं, उन्हें ओपन किया जाना चाहिए। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि ड्रॉ को सार्वजनिक निकाला जाए और इसके लिए उपायुक्त से मांग की गई है। आज जो है ना, नगर परिषद हमीरपुर द्वारा जो वार्डों को आरक्षण हेतु एक ड्रॉ निकलता है, वो निकला है। उसके तहत एक बड़ी ये देखने की बात आई है कि जो वार्ड नंबर पिछले 15 सालों से रिजर्व हो रहे हैं, 10 सालों से रिजर्व हो रहे हैं, वो वार्ड पुनः महिला आरक्षित हो गए हैं। और एक इस ड्रॉ में एक जो नई चीज़ देखने को मिली है, वो बड़ी हैरान करने वाली बात है कि जो ड्रॉ निकलता है उसमें 7-8-9-10 की 4 वार्ड की इकट्ठी ही पर्ची निकल जाती है। मतलब 7-8-9-10 की 4 वार्ड रिजर्व हो जाते हैं। ये कहीं ना कहीं सोचने विषय है कि कैसे ड्रॉ निकला है। और ड्रॉ अगर ऐसे भी निकला है तो जो वार्ड पिछले 15-15 सालों से आरक्षित हैं, उन वार्डों को ओपन किया जाना चाहिए, ताकि वहाँ के जो हमारे युवा साथी हैं, जो हमारे और दूसरे साथी चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। क्योंकि 15-20 साल से एक वार्ड अगर रिजर्व रहेगा तो उसमें क्या हो सकती है, उसमें क्या चेंज आ सकती है, ये आप समझ सकते हैं। इसी के माध्यम से हमने आज पहले ये कंप्लेंट, जैसे ही ड्रॉ निकला, हमने एसडीएम साहब के पास गए थे और एसडीएम साहब के पास हमने इसका पूरा ऑब्जेक्शन किया, लेकिन एसडीएम साहब ने सीधा ये कह के हमें भेज दिया कि आप जिलाधीश को जाकर जो है अपना कंप्लेंट कर दीजिए। तो अब हम डीसी साहब के पास जा रहे हैं और हम डीसी साहब को ज्ञापन दे रहे हैं तो, और हम चाहेंगे कि ये ड्रॉ दोबारा निकाला जाए और सार्वजनिक निकाला जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, और जो वार्ड रिजर्व पिछले 15 सालों से, उनको ओपन किया जाना चाहिए। यही हमारी मांग लेकर हम आज जिलाधीश महोदय के पास जा रहे हैं।